उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अयोध्या पहुंचकर दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम योगी बुधवार को अपने अफसरों के साथ अयोध्या पहुंचे और यहां के रामकथा पार्क से लेकर नया घाट के कार्यक्रम स्थल तक का दौरा किया। सीएम योगी के साथ उनके सलाहकार अवनीश अवस्थी भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने अयोध्या के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। इसके अलावा क्राउड कंट्रोल से लेकर दीपोत्सव में जलाए जा रहे दीपकों के इंतजाम को लेकर भी सीएम ने पूरा अपडेट लिया। अयोध्या के दीपोत्सव के लिए 23 तारीख को भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसमें 2000 से अधिक कलाकार भी हिस्सा लेंगे, जिनके लिए अयोध्या के तमाम स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जहां पर इन सभी को रुकने और कार्यक्रम के रिहर्सल की व्यवस्था दी जाएगी। इसके अलावा कई स्थानों पर फोर्स के रुकने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार 15 लाख से अधिक दीपकों को जलाने की व्यवस्था होनी है, जिसके लिए सीएम ने तैयारियों को देखा है। बुधवार को सीएम के दौरे के बीच एक मजेदार वाकया उस वक्त हुआ जब नया घाट पर सीएम के निरीक्षण में मीडिया के लोगों को रोक दिया गया। दरअसल सीएम योगी यहां पर नया घाट का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटने लगे, तो इस दौरान पुलिस ने कुछ मीडिया कर्मियों को रोक दिया। सीएम ने इसे देखा तो पहले खुद रुके और उसके बाद मीडिया के लोगों को आगे जाने की इजाजत दी। वहीं इसके बाद सीएम ने मंडल के अधिकारियों के साथ भी बैठकर उन तमाम इंतजामों की समीक्षा की, जिससे कि 23 का दीपोत्सव ढंग से मनाया जा सके। सीएम की बैठक में मंडल आयुक्त और आईजी के अलावा अयोध्या जिला प्रशासन के तमाम अफसर भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने भी सीएम को वो अपडेट्स दी जो कि दीपोत्सव से जुड़ी हुई थी। अयोध्या का दीपोत्सव कार्यक्रम 23 अक्टूबर को मनाया जाना है। पूर्व में इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात भी कही गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने यह साफ किया है कि पीएमओ की ओर से उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें लाखों पर्यटकों के आने के मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।